फिल्म इंडस्ट्री में जिस मुकाम पर आज महानायक अमिताभ बच्चन खड़े हैं, उस मुकाम तक पहुंच पाना अच्छे अच्छे कलाकारों के लिए आज असंभव जैसा है। अमिताभ ने इसके लिए वाकई में वो योगदान भी दिया है फिल्म इंडस्ट्री में। 80 के दशक तक खुद को हिंदी सिनेमा में पूर्ण रूप से स्थापित करने के बाद अमिताभ ने शोले, डॉन, दीवार, मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में सफल अभिनय के जरिए अपने आप को एक बेहतरीन अभिनेता साबित किया। इसके अलावा अभिनय के मामले में उनका मुकाबला वाकई में आज भी नहीं है। पाल जैसी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने जो होनहारी के साथ अपने किरदार के साथ ईमानदारी दिखाया, वाकई में उसका कोई तोड़ नहीं है। खैर, अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफल फिल्में करने वाले अमिताभ बच्चन की फिल्मी अगर बात करें तो फिल्मी सफर का एक किस्सा ऐसा है जब अमिताभ को करियर छोड़ने की चेतावनी तक मिल गई थी। हम बात कर रहे हैं फिल्म कालिया को लेकर। कालिया को उनके हिट मूवी की लिस्ट से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये वो फिल्म है जिसमें अमिताभ लाजवाब थे। बताया जाता है डायरेक्टर टीनू आनंद के साथ ही इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ भिड़ गए थे और डायलॉग बोलने से उन्होंने साफ मना कर दिया था। हमेशा शांत रहने वाले अमिताभ को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया होगा, आपके जहन में सवाल ये भी होंगे, तो उसका जवाब आपको हम देना जरूर चाहेंगे। दरअसल टीनू आनंद के निर्देशन में बनी फिल्म कालिया को बड़े पर्दे पर रिलीज जब 1981 में किया गया, अमिताभ बच्चन के अलावा परवीन, बॉबी प्राण, कादर खान, अमजद खान जैसे कलाकार इस फिल्म में अहम रोल प्ले करते नजर आए थे। अमिताभ कालिया के समय तक खुद को बॉलीवुड का खास मुकाम बनाने में पूरी तरह से सफल थे। दूसरी तरफ टीनू बतौर डायरेक्टर पहली ही फिल्म बना रहे थे। इंटरव्यू में टीनू ने इस पूरे मामले को लेकर खुलासा अब किया है। उन्होंने कहा, कालिया फिल्म में उन्हें अमिताभ जैसे दिग्गज कलाकार को डायरेक्ट करने का मौका तो मिला, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी काफ़ी बहस हुई और सेट छोड़कर ही चले जाने का फैसला लिया था टीनू ने। डायलॉग कुछ ऐसा था, उनके पिताजी ने लिखा था फिल्म के सीन के हिसाब से वो डायलॉग बहुत सटीक था, लेकिन अमिताभ को रास नहीं आया था। जी हाँ, डायलॉग कुछ ऐसा ही था कि अमिताभ ने सीधा मना कर दिया था और बोले थे वो नहीं करेंगे यहाँ काम, जिससे टीनू का काफ़ी मूड खराब हो गया था। लेकिन वो भी जिद पर अड़े थे। संवाद बढ़ता चला गया, बहस हुई, बहुत बुरी तरीके से लड़ाइयाँ हुई थी और तब अमिताभ ने कहा था, पहली फिल्म कर रहे हो, तुमको कैसे पता कि तालियां बजेंगी। इसीलिए अमिताभ ने एक विश्वास किया और बाद में विश्वास उनका सही साबित हुआ। टीनू की भविष्यवाणी सही हुई थी, इसलिए अमिताभ बच्चन उनका शुक्रगुजार भी रहे। बता दें, अमिताभ का संवाद उसके जवाब में ऐसे था, तो आतिशी दो जज से डराता है जिन्हें वो आग को पे जाते हैं पानी करके। यही डायलॉग था जो अमिताभ लेने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट 9 लाइव स्क्रिप्टिंग रिपोर्ट।